कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, कल मैं गई थी खाटू श्याम गई थी, तो मैंने वहां से थोड़ा सा लाइव भी बनाया था और वहां की वीडियो जल्दी से मैं डाल दूंगी, ब्लॉग वहां का। और आज है टीचर्स डे, आज है 5 सितंबर और आज है टीचर डे। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं मतलब स्कूल ज्वाइन कर लिया था मैंने स्कूल, तो आज टीचर डे था। तो आज मुझे मेरे बच्चों ने क्या क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। और एक टीचर बनने की जो खुशी मिलती है ना, जब एक, बच्चे हमारी एक मम्मा के बच्चे के लिए फोन दिया है, ये देखो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, फोन इतना बड़ा नहीं है, ये चीजें नहीं है, और मैं लेती भी नहीं अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती तो। क्योंकि टीचर का मतलब ये नहीं कि तुम ये सब चीजें लेके आओ, जो अपनी मन है उनका। और एक खुशी होती है जो एक कार्ड भी बना के देते हैं, वो खुशी सबसे अच्छी होती है, जब वो बोलते हैं कि मैम हम ये मैम बन के आए हैं, हम ये बन के आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बच्चों ने मेरे को क्या क्या दिया है। ये कार्ड दिया है, देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज का ब्लॉग मैं ये वाला बना लूं, कल का ब्लॉग कल आ जाएगा। और आज का ब्लॉग ये है टीचर के ऊपर, क्योंकि आज टीचर्स डे है। और मेरे बच्चे बनाना तो मुझे स्कूल में ही था, लेकिन स्कूल में मैं बना नहीं पाई क्योंकि स्कूल में शोर ज्यादा हो रहा था और इस वजह से भी नहीं बना पाई थी। ये और इसमें कुछ लिखा भी है, इसमें कुछ लिखा भी है बच्चे ने, जब गिरते हैं हम जब गिरते हैं हम घर कट साहस नहीं बनाते हैं। ऐसी मधुर व्यक्ति है तो गुरु कहलाते हैं। जब गिरते हैं हम घर तो साहस नहीं बनते हैं, ऐसे महान व्यक्ति तो सिल्क गुरु कहलाते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू जिसने भी दिया है मुझे। उसने नाम नहीं लिखा है, बस हैप्पी टीचर डे और मेरा नाम लिखा है। एक ये वाला दिया है, इसमें लिखा है गुरु बिन ने ज्ञान मिले, दिशा निर्देश, गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश। थैंक यू बेटा। एक ये है, इसमें कुछ लिखा है, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना हाथ बटाते हैं, यह शिक्षकगण ही होते हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू बच्चे, मतलब इतने अच्छे अच्छे लिखते हैं ना। ये देखिए कितना प्यारा है। नहीं, लिखा नहीं है कुछ भी, बस आगे से लिखा हुआ है हैप्पी टीचर डे लिखा हुआ है। और ये देखिए, तब अपने हाथ से देखो, छोटे छोटे बच्चे कितने कलाकारी करते हैं ना, कितना अच्छा ड्रॉ करा ये। इस पे भी ये लिखा हुआ, इस पे एक गिफ्ट भी है मेरे लिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि उसने इसे चिपका रखा है ना, वो फट ना जाए। हाँ, मैं ऐसे ही फाड़ती हूँ, ये ऐसे खोलती हूँ। ये पेन है, थैंक यू बेटा। वंशु का नाम भी है, वंशु। हैप्पी टीचर डे। ये देखिए पेन और चॉकलेट। मैंने बच्चों से मना कर दिया था कुछ ऐसा मत करना, और लेके भी आने की जरूरत नहीं है, फिर भी बच्चे ये चीजें लेके आए थे, तो मने भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने बड़े बड़ी कोई ऐसी चीजों को मना कर दिया था कि ऐसे कुछ मत लेके आना, क्योंकि बच्चों का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। और ये है उनके पेन, इन बच्चों का नाम नहीं पता, बच्चों ने पेन दिए हैं। चॉकलेट ना, ये चॉकलेट मेल्ट भी हो गई है क्योंकि रखी हुई थी। मैंने सोचा पहले मैं
कुछ व्लॉग बनाए लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपने फ्रेंडों को कि मेरी क्लास के बच्चों ने मुझे ये दिया है। इसको और भी क्लास के बच्चों ने दिया था, फिर थोड़ा बहुत मैंने भी उनके लिए कर दिया था, क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया था कि आज के दिन मैं स्टूडेंट हूँ और आप मेरे टीचर हो, जिसे जो भी करना है वो कर सकते हो। तो बच्चों ने मुझे पढ़ाया था और मैं बैठ के पढ़ी थी। बच्चों के अगर टीचर ही बन के रहोगे, स्ट्रिक्ट बन के रहोगे ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ना बच्चा डरने लगता है, दिल की बातें भी नहीं बोलते हैं। और बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप करनी जरूरी होती है, अगर ऐसे नहीं करते तो बच्चे नहीं अपनी दिल की बात बता पाते हैं, ना पेरेंट्स को बता पाते हैं, ना ही स्कूल में। और स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाया जाए, वो एक अलग चीज है। अगर बच्चा नहीं मानता थोड़ा सा, तो थोड़ी सख्ताई कर सकते हो, इतना नहीं कि जैसे कि अभी राजस्थान में कांड हुआ है और भी कहीं हुआ होगा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए एक टीचर को। क्योंकि हमारे घर पर भी हमारे बच्चे होते हैं, बहन होती है, भाई होते हैं, हम उन्हें भी तो देखते हैं ना, उन्हें भी तो प्यार से। जब स्कूल जाते हैं तो हम उनमें भेदभाव करने लगते हैं, एक ये जाति का भेदभाव, कास्ट का भेदभाव, ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सारे बच्चे एक समान है ना, भगवान ने तो हमें एक बना के भेजा है ना, हम धरती पे तो बटे हैं, और कुछ हमारे मान राजनीतिक गढ़ जो है वो बांट देते हैं, वरना हम सब तो एक ही हैं। हमें तो बस यही ज्ञान मिला था और यही ज्ञान हम अपने बच्चों को बांटते हैं कि हम सब एक हैं, अलग कुछ नहीं होता कि हम पंडित हैं, हम चमार हैं, ऐसा मतलब एससी हैं, एसटी हैं, ये कुछ भी नहीं है, मुसलमान, ऐसा कुछ भी नहीं है। भेदभाव हमारे जो राजनीतिक गण हैं, जो अपने फायदे के लिए हमें बांटते हैं, तो उनका फायदा होता है, वो इसलिए बांटते हैं, हम क्यों बटे, लेकिन हमारा क्या फायदा भाई। हम अगर मुट्ठी, ये मुट्ठी है, इसे खोल के रखेंगे तो हम बिखर जाएंगे, जब हम इसे ऐसे रखेंगे ना तो बाहर का कोई भी हम पर अटैक नहीं कर सकता। यही चीज है। तो सिर्फ आज का भी छोटा सा ब्लॉग बना रही थी मैं, तो सोचा मैंने बना देती हूँ, क्योंकि फिर भूल जाऊंगी। अभी मैं स्कूल से आई थी, मैंने वॉच वगैरह कुछ नहीं उतारी है। और कल का ब्लॉग कल आएगा, मैंने खाटू श्याम को बोला, बताया तो आपको कल आएगा। मैं इसलिए भी नहीं डाल पाई, अभी तो डाल पाई नहीं हूँ, क्योंकि कल शाम आई थी तो इस वजह से नहीं डाल पाई थी। मैं आते ही सो गई थी, परसों नाइट में सोई नहीं थी, कल दिन में भी नहीं सोई थी, फिर रात को आके मैं सो गई थी, खाना वाना कुछ नहीं खाया था बस। और सभी को, आपको, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो प्लीज इग्नोर करना और मुझे सपोर्ट करो यार। सपोर्ट ही नहीं करते हो तुम सब, सपोर्ट करोगे जभी तो मैं आगे बढ़ूंगी, आप तक पहुंच पाऊंगी, आप सभी तक मेरी सोच पहुंच पाएगी ना, तभी तो मैं मतलब क्या सोचती हूँ, बस और कुछ नहीं है। सब हम सब एक ही हैं, भगवान ने हमें ऊपर से तो हमें एक नहीं बना के भेजा है ना, अलग अलग तो नहीं है। चाहे उसे हम अलग कहें, गुरु कहे, भगवान कहे, कुछ भी कहे, बस यही चीज है। समझने वाले को तो सारा काफी है, ना समझे तो उसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे राजस्थान में हुआ था। और क्या बोलूं, बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये ब्लॉग कल या परसों डालूंगी मैं, ऐसा नहीं कि आज ही डालूंगी, आज नहीं डालूंगी, कल या परसों डालूंगी। क्या हुआ, मैं आज जाने का मन नहीं था, मेरे दर्द हो रहा था पैरों में, फिर मैंने सोचा चले जाती हूँ, बच्चे मेरे क्लास के बच्चे बोलेंगे कि मैम आई ने यार थोड़ा सा, उनका फिर ये होता है ना। फिर मैंने भी बोल दिया था कि मैं पार्टी करूंगी आपको अपनी क्लास के लिए, स्कूल के लिए था, लेकिन स्कूल की जो अलग अलग टीचर रहते तो अलग अलग करते, उन्होंने अलग करा था मुझे देख के, और मैंने अपनी क्लास का करा था जो मेरे बस के था, जो मेरे बजट में था। इतनी बड़ी हस्ती तो मैं भी नहीं हूँ कि पूरे स्कूल को कर पाती, जो मेरी क्लास को, जो मेरे बजट में था, वो मैंने अपने क्लास के लिए करा था। और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी ब्लॉग उनका, थोड़ा सा मैंने बनाया था सिंपल। मैं तो सीधे सादी इंसान हूँ, सादगी में जीना सीखा है, सादगी में ही पले बड़े हैं, और सबको अपना मानना सीखा है, और शुरू से मिलके रहे तो ये भी बात हो जाती है। तो मैंने आपको सबको दिखा दिया, और फिर मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ये चीजें मैंने दिखा दी है, और इसका ब्लॉग आने वाला है कल।
या परसों या तरसों, तो इस बात का इग्नोर करना कि 5 तारीख तो आज थी और मैंने एक ब्लॉग कब डाला है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।